संजय दत्त, अरशद वारसी और राजकुमार हिरानी को हाल ही में एक सेट पर एक साथ देखा गया था, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी थी कि फैंस को जल्द ही मुन्ना भाई 3 के बारे में अपडेट मिल सकती है। हालांकि यह सच नहीं था। बाद में बताया गया कि वे तीनों मुन्ना भाई 3 के लिए नहीं बल्कि एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए एक साथ आए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार संजय और अरशद ने एक अस्पताल के लिए विज्ञापन शूट किया था। वहीं यह खबर आ रही है कि मुन्ना भाई 3 शायद कभी नहीं बनेगी। दरअसल संजय दत्त, अरशद वारसी और राजकुमार हिरानी ने एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए सहयोग किया। टीम से जुड़े एक सूत्र के जरिए से बताया गया कि कोई फिल्म नहीं बन रही है। उन्होंने एक अस्पताल के लिए विज्ञापन के लिए शूटिंग की और BTS वीडियो ऑनलाइन जारी किया, जिससे अफवाहें शुरू हुई। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि भले ही दर्शकों के बीच मुन्ना भाई 3 को लेकर उत्सुकता पैदा हुई, लेकिन मुन्ना भाई 3 फिल्म पर काम अभी शुरू नहीं हो सकता। रिपोर्ट्स के अनुसार मुन्ना भाई 3 कभी नहीं बन सकती, जिसका कारण राजकुमार हिरानी और निर्माता विधु विनोद चोपड़ा के बीच का मतभेद है। इसलिए तीसरी फिल्म बनने की संभावना बहुत कम है। राजकुमार हिरानी के खिलाफ मीटू के आरोप के बाद उन्हें अलग हुए कई साल हो गए हैं। वास्तव में मुन्ना भाई चले अमेरिका शीर्षक वाली एक फिल्म थी, लेकिन वह जल्द ही बिना किसी कारण के बंद हो गई। स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दिया गया और प्री प्रोडक्शन भी शुरू हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।